हेलो गाइस, यार अगर आप सब मेरे वीडियो पर क्लिक किए हो ना, ये सेंसिबिलिटी सेटिंग जो होता है ना फ्री फायर में, तो भाई इसका प्रॉब्लम ही आपके सामने हल हो जाएगा। आप लोग का कमेंट होता है कि मंडे भाई मेरा 2 GB RAM है, 3 GB RAM है, 4 GB RAM है, अब ये 200 वाला कर दिया है सिस्टम सेंसिबिलिटी, इसका काम क्या होगा मंडे भाई, ये चीज आप मेरे को बता दो एक्सप्लेन के साथ। आज तक मेरे को ये सेंसिबिलिटी समझ में नहीं आया है, ये चीज एक्चुअल में करता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई। अगर आप सब अच्छा वीडियो नहीं देखोगे क्लिक करके ना, आज तक जिंदगी में आपको समझ में ही नहीं आ पाएगा। जैसे आपको अदर यूट्यूबर बोलता है ना, ये सेंसिबिलिटी आप 100 रख लो, ये वाला सेंसिबिलिटी आप मतलब जनरल आप यहां पर 80 रख लो, 90 रख लो, रेड डॉट को 50 रख लो, टू स्कोप को यहां पर 79 रख दो, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जो यूट्यूबर लोग बोलते हैं आप लोग कॉपी कर लेते हो एंड आपको भाई कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब आप लोग का भाई बहुत सारे यूट्यूबर ये भी वीडियो बना देंगे कि भाई ये हेडशॉट ट्रिक है मेरे भाई, आप इसे रख लो यहां पर, अब 200 वाला सेंसिबिलिटी है ना, बहुत लोग आपको यूट्यूबर ये भी वीडियो बनाएंगे कि अब आप लोग यहां पर 200 सेंसिटिविटी लगा लो, हेडशॉट ही हेडशॉट लगेगा, रेड डॉट लगेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, बैकग्राउंड में वीडियो हेडशॉट दिखाने से कहीं आप हेडशॉट मारने नहीं सीख जाओगे मेरे भाई, रियलिटी बता रहा हूं। देखो भाई, वीडियो बनाने मेहनत लगती है, लेकिन भाई मैं इतना जल्दी आप सबके लिए यहां पर मैं वीडियो ला रहा हूं, एक चीज अच्छा जानकारी सिखाने के लिए ला रहा हूं। मैं भी चाहूंगा ना मेरे भाई व्यूज के लिए बैकग्राउंड में आप सबके लिए अच्छा अच्छा सा हेडशॉट वाला वीडियो दिखा सकता हूं, आपको मैं बता सकता हूं आप हेडशॉट इस तरह मार सकते हो, इसे आप सेंसिबिलिटी को यहां पर 90 रख सकते हो, इसे आपको रेड डॉट को आप लोग यहां पर 119 रख सकते हो, अब 200 आया 200 रख सकते हो। मेरे भाई आपका मोबाइल पर एक्चुअल में डिपेंड करता है हेडशॉट कैसे मारना है मेरे भाई, मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊंगा, कोई भी मेरे भाई ट्रिक नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पे आप हेडशॉट वाला ट्रिक का वीडियो देख लोगे। अब आप लोग जाकर भाई, अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप सब पढ़ाई करते हो, अब आप मैट पढ़ाई करते हो ना, मैट और सेंसिबिलिटी सेम समझ लो मेरे भाई, अगर आप लोग पढ़ाई करके जब मैट बस मास्टर जो समझाया वो चीज देख कर आ जाओगे, अब घर में छोड़ दोगे, क्या आप लोग भी मैट सीख पाओगे मेरे भाई? सेम इसी तरह सेंसिबिलिटी, आप लोग बस कॉपी कर लोगे मेरे भाई अदर यूट्यूबर का, यहां पर 160 ये रखता है, ये रखता है, ये रखता है, तो आप रख दोगे, क्या आपका हेडशॉट लगने लगेगा? क्या आपको ये सेंसिबिलिटी बारे में कुछ घंटा समझ में आया? नहीं आएगा मेरे भाई, इसके बारे में एक्चुअल में समझो, ये जनरल का काम क्या होता है, ये रेड डॉट का काम क्या होता है, टू स्कोप का क्या काम होता है, फोर स्कोप का क्या काम होता है, यहां पर स्नाइपर का क्या काम होता है, फ्री लुक का क्या काम होता है, पूरा भर में डिटेल के साथ समझो, वीडियो पर क्लिक कियो, स्किप मत करो मेरे भाई, स्किप करना तभी चल जाओ जब टाइम मिले तब स्किप, क्योंकि मेरे भाई गेम में तो आप लोग बहुत तगड़ा टाइम को बर्बाद कर देते हो, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन है भाई, पूरा यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा देख लेना मेरे भाई, आपको बोल देगा कॉपी कर लो, आज के बाद आप ये सेंसिबिलिटी आप कॉपी नहीं करोगे, अपने मोबाइल के हिसाब से रखोगे, कैसे रखना है मेरे भाई, क्या होता है कारण, अब यहां पर डिटेल के साथ समझो। चलो हम आपको समझाते हैं यहां पर सेंसिबिलिटी का आपको क्या सेटिंग रखना चाहिए, क्योंकि गरीना यहां पर 200 कर दिया गया है। सबसे पहले मेरे भाई यहां पर जनरल देखो, ठीक है, जनरल में अब आप लोग यहां पर 100, यहां पर 100 से 200 कर सकते हो न्यू अपडेट के बाद। अब देखो मेरे भाई, पहले एक्चुअल में जनरल का काम क्या होता है, ये मोबाइल पर डिपेंड करेगा, मेरा मोबाइल में कितना जीबी रैम है, 8 GB RAM है, 12 GB RAM है, 2 GB RAM है, 4 GB RAM है, रैम पर डिपेंड करता है, मतलब मोबाइल पर डिपेंड करता है, सबके मोबाइल में अलग अलग प्रकार का। अब मैं यहां पर 200 रख लूंगा, आपके मोबाइल में होता है 200, यहां पर पूरा मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। अब देखो मेरे भाई, अब मैं एग्जांपल देता हूं, पहले मैं यहां पर 0 करता हूं, जनरल मतलब होता है कि आपका जो मूवमेंट होता है ना ब्रदर, वे आपका स्लो कर देता है। अभी मैं इसको 0 कर दिया हूं, 0 करने के बाद यहां पर देखो आपका मूवमेंट, आप यहां पर घुमाओ, देखो मेरे भाई पहले आप इसको पहले आराम से समझो, देखो वीडियो को टाइम है तब देखो, जिसको बकवासी लग रहा है अभी चल जाओ मेरे भाई, मैंने क्या बताया ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, अगर लंबा भी होगा भाई आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर देखो मेरे भाई, अभी आप कितना यहां पर मैं स्पीड घुमा पा रहा हूं, 0 पे नहीं घुमा पा रहा हूं ना, अगर मैं दौड़ता हूं, अगर घूमने का प्रयास करता हूं, क्या मैं पूरा पीछे घूम पा रहा हूं, नहीं घूम पा रहा हूं ना, एकदम पूरा लग रहा है कि मोबाइल एकदम पूरा स्लो हो गया है, एकदम स्लो हो गया है मेरे भाई। एंड अगर आप सब यहां पर मारोगे भी तो देखो मेरे भाई चिपक जाता है, क्या होता है शरीर में चिपक जाता है, ऊपर नहीं उठता मेरे भाई, ये क्या होता है डॉट जो होता है ऊपर नहीं उठता है, नहीं उठ रहा है ना ब्रदर, इसी वजह से भाई यही काम होता है भाई जनरल का जो सेंसिबिलिटी पे, ये आपका जो मूवमेंट होता है इसको मतलब सब चीज को होता है ना ब्रदर, जितनी सारी गन भी स्पीड है उसको थोड़ा मतलब फास्ट कर देता है, समझ रहे हो, इसी वजह से भाई आप लोग अगर एक चीज गौर की होगी, जितना भी बड़े बड़े यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम करते हैं, कभी आप देखते हो जनरल को कम कर दे
देता है, कभी ज्यादा कर देता है। ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है? अब मैं आपको कारण समझाता हूं। जैसे अभी मैं 0 से अभी मैं 200 कर दिया ब्रदर। 200 करने के बाद अब देखो आप, मैं यहां पर घुमाऊंगा, यहां पर देखो लग रहा है भाई मैं कहां पहुंच गया, मैं लग रहा हूं पूरा इंडिया, मतलब पूरा लगता हूं विश्व घूम लिया। देखो एक ही बार में देखो भाई कितना फास्ट हो गया। अब मैं इस गोली को लेता हूं, अब देखो कंट्रोल हो रहा है मेरे भाई, देखो मेरे से कंट्रोल हो रहा है, मोबाइल कंट्रोल हो रहा है 200 कर गया। अब बहुत लोग यूट्यूबर बोल देंगे 200 कर लो हेडशॉट लगेगा, हेडशॉट लगेगा मेरे भाई, यहां पर देखो हेडशॉट लगेगा, यहां पर देखो जैसे मैं यहां पर मार रहा हूं, लेकिन क्या होता है हेडशॉट लगा लेकिन ये हबे में ज्यादा निकल जाएगा। अगर आप इनिमी को मारोगे ना तो आपका जो गन होता है ना ब्रदर, ये हबे में निकल जाएगा। बहुत मोबाइल में ये चीज होगा कि अगर आप सब यहां पर जैसे बंदे यहां पर मूवमेंट कर रहे हैं एबिलिटी लगाकर, तो आप उसको मारोगे ना तो ऊपर निकल जाएगा, उसको गन नहीं लगेगा, ऊपर निकल जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे करके आपका ऊपर निकल जाएगा। वही चीज मेरे भाई कम कर सकते हो। अब देखो मेरे भाई मैं 200 यहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अपने मोबाइल के हिसाब से आपको जाकर घर में यहां पर मतलब आधा घंटा 15 मिनट ट्राई करना है, जनरल पर यहां पर सेंसिटिविटी पर क्लिक करना है, ट्रेनिंग में जाना है, यहां पर ट्राई करना है कि 200 करके अगर आप 200 में खेल पा रहे हो, अच्छा हेडशॉट लग रहा है, अच्छा मूवमेंट कर पा रहे हो, तब आपको करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा मेरा मोबाइल में सेंसिटिविटी हो गया है, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं मोबाइल को, तब आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, सेटिंग पर क्लिक करना है, सेंसिटिविटी पर क्लिक करना है, तब इसको मेरे भाई यहां पर 50 पॉइंट कम कर देना है या 10 पॉइंट कम कर देना है, इस तरह करके ट्राई करना है। अभी मैं पहले भाई यहां पर 100 रखता था, ठीक है, अभी मैं कर देता हूं यहां पर 150, ठीक है 150 कर देता हूं, ठीक है 150 कर देता हूं, रुको ब्रदर अभी मैं यहां पर 151 रन देता हूं, ठीक है, तो एक से भाई कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखो, अब देखो मेरे भाई, अब देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, कितना मस्त मूवमेंट कर रहा हूं, देखो मेरे एकदम पूरा मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूं अपने मोबाइल के हिसाब से। हो सकता है कि आपके मोबाइल में 150 में आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते होगे, तो मेरे भाई तब आपको क्या करना है, 150 से भी आपको कम करना है, समझ रहे हो? आपको लगे कि नहीं यार अब मैं यहां पर एकदम पूरा अच्छा मूवमेंट कर पा रहा हूं, एंड आपको हेडशॉट का भी ट्राई करना है कि नहीं भाई मेरा यहां पर 150 में भी हेडशॉट लग रहा है। देखो हेडशॉट का भाई सीक्रेट पता है क्या है, मैं सच्चाई बताऊं आपको, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, मैट को जितना प्रैक्टिस करते हो भाई पढ़ाई में, तो उतना ज्यादा आप एक्सीलेंट बनते हो ना। में कोई टिप्स एंड ट्रिक या सेंसिटिविटी अपने मन से आप रखने सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना बार आप अभ्यास करोगे ना मेरे भाई, उतना आप सीख पाओगे। अगर आप अभ्यास ही नहीं करोगे तो मेरे भाई आप 1000 वीडियो देख लो दिन भर का, मैं रियलिटी बता रहा हूं भाई, मैं अदर यूट्यूबर की तरह आपको फेंकता नहीं भाई, मैं सही बता रहा हूं। जब तक भाई आप अभ्यास नहीं करोगे भाई, आप लोग हेडशॉट मारने नहीं सीखोगे। अपने मन से भाई आपको सेंसिटिविटी मैं लगाने सिखा दूंगा, लेकिन आपको भाई हेडशॉट मारने के लिए खुद से भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब खुद से आपको अभ्यास करना पड़ेगा, डेजर्ट ईगल से, MP40 से, जिससे आपको हेडशॉट मारना है। तो आप लोग भाई जनरल लगाने सीख गए, देखो मेरे भाई 150 पे देखो मेरे भाई क्या ही लग रहा है। अगर मैं मान लेता हूं अभी भी रिकॉल कर रहा है, या मान लेता हूं आप यहां पर मतलब यहां पर आप नहीं संभाल पा रहे हो, तो मेरे भाई फिर से क्या करना है, मेरे भाई फिर से क्या करना है, 100 यहां पर 150 से कम करना है। मैं तो एक ही सलाह दूंगा मेरे भाई, अब 200 तक आता है, 100 हमेशा ऊपर ही रखने की कोशिश करना, 100, 150, 160 के बीच आपके मोबाइल के हिसाब से। मेरे मोबाइल में यहां पर 150 यहां पर बेस्ट है, ठीक है 150 बेस्ट मेरे को लगा है, इससे मैं आगे भी कर सकता हूं, मेरे गेम पर डिपेंड है। अगर मैं गेम खेलता हूं ना, वहां पर रिकॉल करती है, मूवमेंट यहां पर ज्यादा हो रही है, तो मैं ऑटोमेटिक आप लोग सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे, इसे थोड़ा कम कर दोगे 5 पॉइंट, जिसकी वजह से आपका सेट हो जाएगा धीरे धीरे भाई, ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। गेम में आप बार बार चेंज करते रहोगे, अब ये नहीं कि भाई 0 कर दोगे आप संभाल ही मतलब चल ही नहीं रहा है गेम, समझ रहे हो मैं क्या करने। अगर आप देखे होगे बड़ा बड़ा यूट्यूबर का लाइव स्ट्रीम ना, देखना वो कम बेस करते रहता है, क्यों करते रहता है, वो अपने गेम के मूवमेंट के हिसाब से। चलो मेरे भाई अब आप लोग यहां पर जनरल के बारे में फुल डिटेल के साथ समझ गए, ठीक है। अब मैं यहां पर 150 रख दिया अभी के हिसाब से, अभी जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर रेड डॉट को यहां पर क्या रखना चाहिए, चलो मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई। ये जो रेड डॉट है ना, रेड डॉट के लिए मैं आपको समझाने के लिए कितना अच्छा दिमाग लगा रहा हूं, पहले आप ये समझो, मैं ब्रदर ट्रेनिंग से आ गया यहां पर गेम में, कि मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन में समझा पाऊं। क्योंकि ट्रेनिंग गेम में क्या होता है कि जो भी होता है ना, एक्चुअल में रेड डॉट से जितना सारे यूट्यूबर होते हैं, ये आप सबको बोलते हैं कि रेड डॉट से ही हेडशॉट लगता है। ये बात सही है, हेडशॉट तो लगता है रेड डॉट से, लेकिन एक्चुअल में रेड डॉट का काम क्या होता है, ये आज तक आप सबने नहीं समझा होगा, अभी भी आपको नहीं पता होगा, आप अभी मेरा वीडियो देखोगे तब पता चलेगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा एक्चुअल में ये रेड डॉट का काम क्या होता है। देखो मेरे भाई, हेडशॉट कैसे लगेगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको अभ्यास कर
करना पड़ेगा, अपना से सेटिंग करना होगा मोबाइल के हिसाब से, एंड आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक हेडशॉट मारना चालू कर दोगे। और जो यूट्यूबर सब जो बैकग्राउंड में जो वीडियो दिखाते हैं ना, हर बंदे के ऊपर हेडशॉट वे एक्चुअल में एडिट होते हैं मेरे भाई। हर बार आप 10 बंदे आपके सामने आ जाएंगे और आप 10 को हेडशॉट नहीं मार पाओगे। लक अच्छा होगा, किस्मत अच्छा होगा, तभी मेरे भाई लगता है, हमेशा नहीं लगता है। ठीक है मेरे भाई, ये सब भाई डाउट से क्लियर कर दो। एक्चुअल में अब समझो मेरे भाई ये रेड डॉट का काम क्या होता है। अब देखो, पहले हम मेरे भाई यहां पर रेड डॉट, देखो ये भाई जनरल के बारे में समझ गए, रेड डॉट को पहले हम भाई यहां पर जीरो कर देते हैं। ठीक है, जीरो करने के बाद एक्चुअल में जो रेड डॉट होता है ना ब्रदर, ये स्कोप जिस गन में नहीं लगा रहता है, जैसे मैं ये गन है मेरे पास, ठीक है, इस गन में क्या होता है, पहले से ये वाला स्कोप लगा रहता है लेवल 1 का, इसमें आप स्कोप नहीं लगा रहे हो, 2x स्कोप नहीं लगा रहे हो, मतलब 4x स्कोप नहीं लगा रहे हो, 3x स्कोप नहीं लगा रहे हो, पहले से भाई मेरे भाई इसमें स्कोप लगा हुआ है ये वाला लेवल 1 का। अब सबसे बड़ी बात है, इसका यही काम करता है। अब मैं समझाता हूं, जैसे मेरे भाई यहां पर रेड डॉट है ना, मेरा यहां पर जीरो है ना, तो अगर मैं यहां पर मेरे भाई स्कोप को अगर ओपन कर देता हूं, तो आप सब देखो मेरे भाई, अगर मैं मोबाइल से ऐसे ऐसे करता हूं, तो यहां पर देखो मेरे भाई ये स्लो हो रहा है ना, एक्चुअल में ये स्लो हो रहा है ना, मतलब आप सब जब ऐसे ऐसे करते हो मेरे भाई, समझो एक तरह से ये स्लो हो रहा है ना, तो मतलब ये एम नहीं बैठ रहा है, ये स्लो हो रहा है। इसका काम यही होता है कि अगर आप सब यहां पर सेंसिटिविटी को अगर मैं यहां पर 200 कर देता हूं, एग्जांपल के लिए, मतलब यहां पर रेड डॉट को, ठीक है, 200 कर दिया, 200 के बाद अगर मैं यहां पर स्कोप को ओपन करूंगा, तो तब देखो मेरे भाई, देखो ये तो भाई हवा में उड़ने लगा, लग रहा है हेलीकॉप्टर में यूज कर रहा हूं। देखो मेरे भाई, इसी का यही काम होता है। आप बोलोगे मैंने भाई ये चीज तो मैं समझा नहीं, जैसे आप सामने मान लो कि यहां पर कोई एनिमी है, ठीक है, तो आप अगर इस गन से लेते हो, आप अगर यहां पर रेड डॉट को यहां पर मिनिमम, आपको मैं बताता हूं, जितना आप यहां पर जनरल रखोगे उससे 5 पॉइंट ज्यादा रखो या 5 पॉइंट कम रखो, ये एक बेस्ट है मेरे भाई। क्या है? बेस्ट है। आप 10 पॉइंट कम रखो मतलब रेड डॉट ये जनरल से, आपका मोबाइल में जितना जनरल हुआ, या मतलब 10 पॉइंट या 5 पॉइंट कम रखो, उसी पर भाई डिफरेंस पड़ता है। जैसे मेरे भाई मैं यहां पर 150 रखा हूं, तो मैं यहां पर लगभग 150 रख, आप सेम भी रख सकते हो, 150 भी रख सकते हो, या थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हो, या थोड़ा कम भी रख सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। जैसे चलो मैं यहां पर सेम ही रहने देता हूं, ठीक है, चलो मैं यहां पर भाई मेरे भाई यहां पर मैं 2 बेसी कर दिया, मैं ये 150 कर दूंगा मेरे भाई, बैठा दूंगा, आप अपना यहां पर टाइम रहेगा। अब मैं यहां पर बताता हूं, जैसे आप किसी को फायर करते हो ना, तो ऊपर करोगे ना मेरे भाई वो टूरा ड्रैग होगा। आप देखे होगे बहुत सारे यूट्यूबर अगर यहां पर लाइव स्ट्रीम करते होंगे, आप तो यहां पर पॉइंट पकड़ो कि जब भी उसका रिकॉल होता है, मतलब बंदी के ऊपर अगर ज्यादा एम जल्दी नहीं पहुंचता, मतलब ज्यादा ऊपर से गन हो जाता है, तो आपने देखा होगा अगर एक लेवल का रहता है तो ये रेड डॉट को थोड़ा कम करता है, अगर उसका नहीं बैठता है या थोड़ा मतलब स्पीड नहीं होता है तो उसको थोड़ा ज्यादा करता है। इसके हिसाब से आपको जितना आपने जनरल बैठाया उससे 10-5 करके यहां पर मैनेज, कम बेस करके आपको यहां पर इसे मैनेज कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, जैसे अब यहां पर से स्पीड हो रहा है, इससे क्या होता है कि आप फटाक यहां पर से घूमो एंड स्पीड से आप ऐसे ड्रैग कर दोगे, फटाक आप ऐसे ड्रैग कर दोगे, फटाक आप इसको ओपन करोगे, फटाक ऐसे कर दोगे, फिर ऐसे करोगे, फटाक इसको ऐसे कर दोगे, मतलब ये जो स्कोप ओपन करोगे ना ये फटाफट काम करेगा। इसलिए मेरे भाई यहां पर जितना आप जनरल रखोगे उससे 10 या पॉइंट या 20 पॉइंट आपके मोबाइल के हिसाब से कम बेस कर लेना। इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, आप मेरा भी कॉपी कर सकते हो, आप किसी का भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कैसा लगा भाई रेड डॉट के बारे में कमेंट में जोर बताना। जनरल के बारे में समझा दिया, रेड डॉट के बारे में समझा दिया, अब मैं समझाता हूं मेरे भाई यहां पर टू स्कोप का क्या काम होता है। मेरे भाई ये टू स्कोप क्या है, अब इसके बारे में समझो मेरे भाई। अब मैं एक चीज आपको सीक्रेट चीज बताऊं, आप भाई सीख गए ये सेंसिटिविटी। अब बोलोगे मंडे भाई क्या बात कर रहे हो, यस भाई मैं सही बात कर रहा हूं। यहां पर देखो जनरल के बारे में सीख गए, रेड डॉट किसको कहते हैं, मतलब जिसमें स्कोप मतलब नहीं लगा रहता है, जो आप ओपन करते हो ना एक्चुअल में वही हुआ रेड डॉट, समझ रहे हो, इधर उधर जो करते हो जो मैंने आपको समझाया। अब ये टू स्कोप भी सेम है, फोर स्कोप भी सेम है मेरे भाई, और ये स्नैपर स्कोप भी सेम ही है। अब बोलोगे मंडे भाई क्या बात कर रहे हो, अभी आप इसके हिसाब से आप यहां पर चॉइस कर लो। अभी मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं अभी ट्रेनिंग में टू स्कोप लगा हुआ है, इसको हम टू स्कोप कहते हैं ना मेरे भाई, कोई मत बोलना इसको थ्री स्कोप कहते हैं, इसको टू स्कोप कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर टू स्कोप को ओपन किया, अब मैं ऐसे ऐसे करता हूं, यहां पर देखो नॉर्मल हो रहा है, रुको मेरे भाई तब समझ में आएगा। अभी हम क्या करेंगे, टू स्कोप को यहां पर जीरो कर देंगे, जीरो करने के बाद अभी हम स्कोप को ओपन किए, अब करके देखो मेरे भाई कितना स्लो हो रहा है, इतना स्लो में क्या बंदा मरेगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये
इनिमी है ना, इतना स्लो रखोगे मेरे भाई, आप इसको पे इधर लाते लाते ये बंदा भाग जाएगा घर। इसीलिए मेरे भाई यही चीज काम होता है कि ये जो स्कोप है ना, यहाँ पर जो टू स्कोप है, इसे भी हमेशा आपको नॉर्मल रखना है। आप किसी किसी का एक चीज आपने गौर किया होगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जिसके मोबाइल में यहाँ पर सेट रहता है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि भाई आप लोग लाइव स्ट्रीम देखते रहते हो, ये चारों मेरे भाई किसी किसी का सेम रहेगा। यहाँ पर स्नैपर स्कोप भाई, क्योंकि उसमें ज्यादा भाई कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता कि मतलब इसको कम रखता है, ठीक है। तो आप देखोगे ये तीनों लगभग सेम रहता है, ठीक है, 10.5 पॉइंट कम बेस रहता है, ठीक है। वे अपने मोबाइल के हिसाब से रखता है एंड अपने चलाने के हिसाब से रखता है। तो मेरे भाई यही जब टू स्कोप है ना, इसको भी क्या कर देना है, इससे भाई 5 पॉइंट कम कर देना है। ये दोनों भाई कोशिश करना भाई बराबर रखने का, भाई मजा आ जाएगा गेम प्ले करने। मैंने देखा है अगर बराबर भाई लगभग समझो 80% मोबाइल में शूट कर जाता है मेरे भाई। मेरे मोबाइल में भी मुझे बराबर ही मैं रखता हूं और ये दोनों भी बराबर ही रखता हूं, लेकिन अभी फिलहाल भाई सेंसिटिविटी हाई हो गई है। अगर ये कम हुआ बेस हुआ मैं गेम प्ले करूंगा तो और हो सकता है मैं इंक्रीज करूं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर मुझे इतना सेंसिटिविटी में प्रेस्टिक हो गया खेलने में और मैं सोचूंगा और मेरे को भाई तेजी खेलना है तो और मैं फास्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, टू स्कोप को मैं मान लेता हूं कि मैं इसको भी 150 ही रख लिया, ठीक है मेरे भाई। और 150 में देखो मेरे भाई एकदम मस्ट हो रहा है। अब देखो भाई इसको देखना, तुरंत मैं मार दूंगा, देखो मेरे भाई तुरंत आप तुरंत ऊपर भी कर लोगे, ठीक है, आप तुरंत ड्रैग भी कर लोगे। तो ये सब में क्या होगा कि ब्रदर आसान होगा, ड्रैग भी करना मेरे भाई प्रेस्टिक करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह मेरे भाई कर सकते हो। ये मैंने देखो भाई कितना फास्ट हो रहा है ना। तो मेरे भाई यही काम होता है, कभी कभी आप देखते हो सीएस खेलते हो कोई ओपन करता है, वे ऐसे ऐसे भाई धीरे धीरे बंदे के पास पहुंचाते टाइम लग जाता है। तो मेरे भाई जब वो आपका ज्यादा रहेगा ना टू स्कोप, तो आप तुरंत बंदे के पास ऐसे पहुंचा दोगे, ऐसे भाई तुरंत पहुंचा दोगे, समझ लो फायर करने लोगे, प्रेस्टिक हो जाएगा। प्रेस्टिक जब तक अभ्यास नहीं करोगे मेरे भाई घंटा नहीं समझोगे, ठीक है। टू स्कोप के बारे में भी समझ गए, अब चलो मैं यहाँ पर आपको फोर स्कोप के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पर थ्री स्कोप डीआई नहीं है, थ्री स्कोप पता है मैं किसको मानता था, ब्रदर थ्री स्कोप इसको मानता था, अभी भी भाई मैं थ्री स्कोप इसको, लेकिन एक्चुअल भाई थ्री स्कोप है ही नहीं गेम में। बहुत लोग भाई किसको ये थ्री स्कोप इसको ये मानता है, जैसे अभी मैं लगाता हूँ ना मेरे भाई, बताओ अभी मैं इसको थ्री स्कोप मानता हूँ, भाई थ्री स्कोप एक्चुअल में गेम में है ही नहीं। देखो ये किसको किस कौन कौन ये थ्री स्कोप मानता है और किसको किसको ये पसंद नहीं आता है मेरे भाई, ये एक्चुअल में भाई थ्री स्कोप है ही नहीं। अगर रहता ना करीना यहाँ पर जोर देता डायरेक्ट फोर स्कोप है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको भाई थ्री स्कोप नहीं बोलते इसको मेरे भाई, यहाँ पर देख लो क्या बोलते हैं मेरे भाई, यहाँ पर नाम लिखा मेरे को, अभी मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर देख लो मैं क्या बोलते हैं, थर्मल स्कोप बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत लोग भाई इसको थ्री स्कोप एक्चुअल में थ्री स्कोप नहीं है। अब चलो मेरे भाई अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर मेरे भाई फोर जो स्कोप है इसका क्या काम होता है, सेम काम होता है मेरे भाई, अभी मैं आपको टेस्ट करके यहाँ देखना अभी मैं समझाता हूँ। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखो मैंने फोर स्कोप लगाया, अब मैं आपको पहले समझाता हूँ, सेम है मेरे भाई, कोई समझाने वाली बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर फोर स्कोप को जीरो कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो भाई ये स्लो हो गया ना मेरे भाई, स्लो हो गया ना जीरो कर दिया। तो अगर मैं इसी को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फोर स्कोप को अगर मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ, अब देखो भाई लग रहा हैकर है भाई, हैकर ये कंप्यूटर से लगता है ऐसे कर रहा है स्किन। 200 भाई सेंसिटिविटी भी तो गरीना रख दिया है, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर मेरे से कंट्रोल नहीं होगा 200, तो मैं भी इसको मेरे भाई 150 ही कर देता हूँ, 150 भाई कंट्रोल भी मैं खेल के भाई ट्राई नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरे भाई 150 ठीक है, ठीक है। पहले मैं 100 रखा करता था, अगर ये ज्यादा कर रहा है, देखो मेरे भाई ये ड्रैग ज्यादा चल रहा है, ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है बंदे के ऊपर, जैसे आप इसको ओपन करोगे ना तुरंत बंदे के ऊपर पहुंच जाएगा। देखो ये जैसे आपका गन यहाँ पे भी खुला, फायर करोगे यहाँ पे तुरंत बंदे के पास पहुंच जाएगा। देखो जैसे मैं क्या कहता हूँ, इसको आपको ओपन किए यहाँ पे इसको आपको ओपन किए, तुरंत देखो बंदे के ऊपर पहुंच गया। ये क्या हो जाता है कि रास्ता जो होता है ना, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपका स्कोप है तो यहाँ तक आने में कम समय हो जाता है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर स्कोप को यहाँ पर 4 भी सेम था 2 भी सेम था। आप रेड डॉट समझे तो 2 भी समझ गए 4 भी समझ गए। अब मेरे भाई ये भी सेम है, ठीक है, स्नैपर स्कोप भी सेम है। अभी मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, जैसे मेरे भाई अभी मैं यहाँ पर गन में लिया हूँ AWM, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे भाई कितना स्लो चल रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये इनिमी है, ठीक है, ये इनिमी है, ठीक है मेरे भाई। अभी हम स्कोप को इनिमी के पास पहुंचाते, अरे बाप रे बाप, 2 साल लग गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, 2 साल कभी नहीं लगेगा। ये जो है ना यहाँ पर स्नैपर, इसको क्या कर देना है मेरे भाई, थोड़ा सा सेंसिटिविटी 200 करके दिखाते हैं। अब देखना मेरे भाई बंदे के पास कितना सेकंड है, और बाप ये तो कंट्रोल ही ना हो रहा है हमसे, हम मारेंगे कैसे बंदे को, कंट्रोल लेवल में भी कम करना है, मोबाइल में टेस्ट करना है, कम करके चलो मेरे भाई इसको थोड़ा ज्यादा कम करना पड़ेगा। 100 भी भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है स्नैपर AWM कंट्रोल करना उसका स्कोप भाई, तो 100 मेरे हिसाब से कंट्रोल कर लूंगा। चलो 103 हो गया, चलो भाई अब वहां करते रहूंगा मेरे भाई, तो वीडियो बना 103, देखो मेरे भाई 103 एकदम बेस्ट है। अभी भी मैं थोड़ा हाई लग रहा है मेरे भाई, तो थोड़ा स्लो कम करता हूँ, तो चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ा कम कर दिया। अब चलो मेरा ठीक हो गया इसके हिसाब से, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर बंदा स्कोप फटाक ओपन किए एंड
यहाँ पर से AWM चला दिए। तो इस तरह करके आप फास्ट कर सकते हो। ये गन का यही काम करता है कि आप जो ले जाते हो ना इधर उधर, ये आपका आप कितना अंडर से अपना कंट्रोल कर पाओगे। अब वे मोबाइल पर भी डिपेंड करता है, अब आपका 2GB रैम है, अब मैं बोल दूंगा 200 रखने के लिए, कि आप कंट्रोल कर पाओगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा भाई आपके मोबाइल पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी का भाई 12GB रैम है मोबाइल में, भाई 200 रख देगा भाई उसका तो हवे में उड़ेगा, वो कंट्रोल कर पाएगा भाई, सब सेटिंग मैच खा पाएगा। इसलिए भाई ट्रेनिंग में जाओ एंड वहां पर से आप लोग नॉर्मली अपने से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहां पर आपको चारों चीज के बारे में सेट करके बता दिया। इसको मैं पक्का मेरे भाई यहां पर मैं 90 कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैंने पक्का यहां पर क्या कर दिया, 90 कर दिया, तीनों 150 कर दिया, चलो सारा ठीक हो गया। अब मेरे भाई, अब मैं आपको ये फ्री लुक समझाता हूं। एक्चुअल में फ्री लुक का काम क्या होता है मेरे भाई, ये समझ में किसी को नहीं आता है। देखो मेरे भाई, फ्री लुक को समझाने से पहले मेरे भाई देखो यार, गर्मी बहुत है और फैन बंद करके मेरे भाई मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। और भाई इतना लंबा वीडियो भाई आपको देखने में लग रहा है मेरे भाई, इसको और लंबा हुई है कट उट करने में, और मेरे भाई मैं इसको शॉर्ट करूंगा, समझ सकते हो मेरे भाई, पूरी पसीना पसीना हो गया मेरे भाई। तो यार एक वीडियो एक लाइक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है रियल इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब करके नॉर्सन को ऑल जोड़ करो मेरे भाई, बहुत मेहनत करता हूं यार आप सबके लिए इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन। मैं चाहता ना मैं आप सबको 150-200 बटाकर यार जल्दी वीडियो खत्म कर सकता था, लेकिन उससे आप घंटा नहीं सीखते। अब इससे भाई आप लोग हेडशॉट कैसे लगेगा मेरे भाई, दिमाग लगाओ आप भाई, सेट तो कर लिया, आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जितना भाई अभ्यास करोगे उतना आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा, जिसके द्वारा आपका हेडशॉट इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये यहां पर फ्री लुक क्या है मैं आपको यहां पर समझाता हूं। फ्री लुक का मेरे भाई यही काम है कि आप लोग को क्या करना है, उसके लिए आपको कंट्रोल सेटिंग पर आना है। कंट्रोल सेटिंग पर यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मेरे भाई, आप बोलोगे कहां पर, यहां पर फ्री लुक का। फ्री लुक को अगर आप ऑन करके रखे हो गन स्विच में या यहां पर बीआर स्कोरबोर्ड में या रन में, फ्री लुक अगर आप यहां पर ऑन करके रखे हो, उसका काम ये होता है मेरे भाई, अभी मैं समझाता हूं, इसको कहते हैं मेरे भाई फ्री लुक। अभी जैसे मैं दौड़ रहा हूं ना, जैसे मेरे भाई मैं यहां पर अभी दौड़ रहा हूं, तो यहां पर आपको फ्री लुक जैसा कुछ आग जैसा दिख रहा है, इसी कहते हैं। तो ये आप कितना मूवमेंट रखना चाहते हो, जैसे आप जिसे यहां पर घुमा रहे हो कितना रखना चाहते हो, इसका ये मूवमेंट होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फ्री लुक को अभी मैं यहां पर जीरो कर देता हूं। आप दौड़ रहे हो, ये आपने आग मैंने बता दिया कंट्रोल सेटिंग पर कहां पर से ऑन होता है। तो अब मैं यहां पर ओपन, देखो भाई जल्दी स्पीड नहीं घूम रहा है ना मेरे भाई, सेंसी मतलब इसका क्या हो रहा है कि हाई नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं घूम रहा है, इसी वजह से मेरे भाई सेंसिटिविटी पर यहां पर क्लिक करोगे, इसे का मिनिमम भाई 100 कर दोगे, 100 कर दोगे अपने हिसाब से, अपने मोबाइल के हिसाब से। अब आप कंट्रोल यहां पर कर पा रहे हो अपने हिसाब से, इसको भी मेरे भाई यहां पर से चेंज कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कितना आपको स्पीड घूम रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके हिसाब से मेरे भाई यहां पर से घुमा घुमा के अपना सेट कर लेना। ये एक मेरा सेंसिटिविटी है मेरे भाई, अभी जो मैं आपके सामने बनाया, ये हम चेंज करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, गेम प्ले करते रहते हैं, इसको चेंज करते रहते हैं मेरे भाई। यही एक फुल प्रोसेस था सेंसिटिविटी के बारे में। कॉपी करना है तो मेरा कर लो, फिर से मैं आपको कॉपी करने के लिए अभी मैं बोल दूंगा कि इसको अभी मैं 200 रखूंगा, आप 200 रख लोगे। एक्चुअल में भाई आप कुछ नहीं सीखे ना मेरे भाई, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। वीडियो को यहां पर समाप्त करता हूं, अब मिलता हूं इसी तरह के मजे डार वीडियोज में, टाई टाई बाय बाय। We'll be right back.